नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार आशुतोष, ENT सर्जन, ऑर्किड क्लिनिक फरीदाबाद से। आज मैं आपको बताऊंगा नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नाक की एलर्जी में बहुत सारे डॉक्टर्स आपको नेजल स्प्रे लेने की सलाह देते हैं, तो चलिए जानते हैं नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप पहली बार नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको प्राइम करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले नेजल स्प्रे को ऐसे पकड़िए अंगूठे को नीचे और दोनों उंगलियों से ऊपर। स्प्रे को इस्तेमाल के पहले शेक करिए, इसके ढक्कन को खोलिए और हवा में एक या दो पंप ऐसे करना चाहिए। इससे जब दवा आने लगे तो आप समझ जाएं कि स्प्रे अब इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। आइए अब हम देखते हैं दाहिने नथुने में नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले सर को नीचे झुकाएं, बाएं नथुने को उंगली से बंद करें, नेजल स्प्रे को हाथ में पकड़ें, नोजल को नाक के अंदर डालें। नोजल की दिशा आंख के बाहरी सतह की तरफ होनी चाहिए। नोजल को धीरे से दबाएं, नाक से धीरे धीरे सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। इसी चीज को आप बाएं तरफ भी रिपीट कर लें। अब हम जानते हैं नेजल स्प्रे इस्तेमाल करने में कुछ सावधानियों की। नेजल स्प्रे का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी दिशा हमेशा बाहर की तरफ होनी चाहिए, बीच की तरफ नहीं। इससे आप नाक के पर्दे को चोट कर सकते हैं और नाक से खून आ सकता है। दूसरी चीज़, जब भी आप नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें तो इसके नोज़ल को क्लीन करें और फिर इसमें ढक्कन को लगा दें। नेजल स्प्रे को कभी फ्रिज में ना रखें या डायरेक्ट धूप में ना रखें। नेजल स्प्रे का इस्तेमाल रिकमेंडेड डोजेस में अपने डॉक्टर से सलाह पे ही करें। अपने मन से लंबे समय तक यूज़ ना करें और ना ही डोज को अपने मन से चेंज करें। धन्यवाद।